जय श्री कृष्णा। आज हम बनाने जा रहे हैं सूगरी की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और बीकानेर की फेमस है, और इसको मैं बहुत ही इजी तरीके से बनाऊंगी, तो आप इसे वीडियो को पूरा देखें। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम सूगरी ली थी, उसके बाद अच्छे से वॉश करके हमने इस तरीके से इसको काट लिया है और अब हम इसको उबाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पतीले में पानी ले लिया है और ताकि इसकी थोड़ी कड़वाहट निकल जाए, इसलिए मैं यहाँ पर पानी में उबाल रही हूँ। और यहाँ पर मैंने ऐड किया थोड़ा सा नमक, ठीक है। उसके बाद अब हम इसके अंदर, पानी अच्छे से उबल गया है तो पानी के अंदर अब हम ऐड कर देते हैं सूगरी। बहुत टेस्टी होती है, मूली के ऊपर जो लगती है, ये सूगरी जो होती है मूली के ऊपर लगती है। बीकानेर की फेमस सब्जी है जिसको मैं एकदम इजी तरीके से बनाऊंगी बिना लहसुन और प्याज की। तो यहाँ पर इसको मैं आधा ढक्कन लगा दूंगी और यहाँ पर ये उबाल आ चुका है अच्छा सा, तो अब हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ, ये हो चुकी है रेडी, ठीक है। तो अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और वाटर ड्रेन कर लेंगे। उसके बाद हमने लिए यहाँ पर एक कढ़ाई, कढ़ाई के अंदर हम ऐड कर देंगे ऑयल। तो यहाँ पर मैं 3 चम्मच ऑयल ले रही हूँ। एकदम ईजी से मसाले हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डाला, एकदम नॉर्मल सब्जी जैसे बनाते हैं वैसे बनाइए। यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच जीरा लिया है, 1/4 यहाँ पर मैं ले रही हूँ अजवाइन। फिर यहाँ पर थोड़ी सी राई ऐड करेंगे और अब ऐड कर लिए मैंने यहाँ पर हींग, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पर एक थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देंगे इसके अंदर। सब्जी में हल्दी पहले ऐड करते हैं तो सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर अब हम ऐड कर देंगे सूगरी, तो यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे स्पून के हेल्प से, मिक्स मिक्स मिक्स। फिर मैं यहाँ पर इसको 2 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर छोड़ दूंगी। तो यहाँ पर अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है मैंने। वैसे ट्राई जरूर कीजिएगा, आपने कल वाला वीडियो शायद देखा नहीं तो आप वो भी जरूर देखिए, बहुत अच्छे मेथी के परांठे बनाए थे। तो यहाँ पर ढक्कन लगा दिया, 2 मिनट के लिए छोड़ दिया। यहाँ पर मैंने 1/4 कप लिया है दही, तो दही में हम ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाले। नमक हमने पहले ही डाल रखा है, जैसे कि पानी में उबलते हुए पानी में डाला था हमने। और उसके बाद 1/4 यहाँ पर हल्दी ले रहे हैं और 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पर धनिया लिया है। और उसके बाद हम इसको मिक्स कर देंगे, अच्छे से मिक्स करना है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखें, क्योंकि पहले हमने पानी के अंदर भी नमक डाला है। तो यहाँ पर आप चेक कर लेते एक बारी, तो यहाँ पर चेक लिया और इसके अंदर हम ऐड करेंगे वो जो मसाला दही के साथ बनाया था मैंने, ये इसमें हम ऐड कर देंगे। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। एकदम इजी तरीका है जो भी है, मैंने बिना लहसुन और प्याज के बनाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनेगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर यहाँ पर इसमें हम एक बॉयल आने देंगे अच्छा सा, थोड़ा सा ढक्कन लगा देंगे हम 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अच्छे से बॉयल आ चुका है, तेल भी आप देख सकते हैं कि ऊपर आ चुका है। तो अब हमारी सब्जी जो है बनकर तैयार है, देखा कितनी जल्दी बनकर तैयार होगी। एकदम इजी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। या आप वैसे तो बाजरे की रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है, आप इसे गेहूँ की रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बेसन की रोटी के साथ भी खा सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरीके की नई नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।